टूथब्रश हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा। जब भी आप ब्रश करते हैं तो आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि इसका आविष्कार कैसे हुआ था, या फिर दुनिया को पहला टूथब्रश कब मिला था? शायद ना पता हो, तो चलिए आपके जनरल नॉलेज में थोड़ा इजाफा कर देते हैं। इतिहास के पन्नों में आज की तारीख बेहद खास है। आज का दिन इतिहास में एक ऐसे आविष्कार के नाम दर्ज है जो हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। 26 जून 1498 को चीन में दुनिया का पहला टूथब्रश बनाया गया था। चीन के राजा ने अपने इस्तेमाल के लिए टूथब्रश का आविष्कार किया और उसका पेटेंट करवा लिया। इस टूथब्रश को जानवरों और खासकर सुअर के बालों से बनाया गया था। हड्डी या बांस के टुकड़ों पर इन बालों को लगाया जाता और फिर उसे ब्रश के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। जानवरों के बालों की वजह से ये टूथब्रश काफी सख्त होते थे। इस आविष्कार से पहले दुनिया में दातून इस्तेमाल किया जाता था। जानकारों की माने तो टूथब्रश का आविष्कार इंग्लैंड के कैदी विलियम एडीज ने 1780 में किया था। इसके बाद पहला इलेक्ट्रिक टूथब्रश 1939 में बनाया गया था। और अब तो नई नई टेक्नोलॉजीज के साथ हमारे पास टूथब्रश के कई सारे ऑप्शंस मौजूद हैं।